Power amplifiers can be classified into three types. और ये थ्री टाइप्स क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है? ये इट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर बाय एंड एम्पलीट्यूड of input signal, amplitude of the input signal ज़्यादा important इसलिए क्योंकि जितना input signal का amplitude होगा उसी rate से आपको amplification मिलेगी. इसमें हम consider करते हैं it takes into amount of portion of the cycle for which transistor conducts. It takes, yeah, it takes into account, consider करता है the portion of the cycle for which transistor conducts. Now what is this point? कि transistor की conduction. As you know, कि amplifier का main component क्या है? Amplifier का main component transistor. तो transistor की conduction किस amount पे होगी उस पे depend करता है. और ये ट्रांजिस्टर की कंडक्शन किस पर से डिसाइड की जाती है कि हम क्लासिफाई हम डिपेंड करते हैं इसके कि किस तरह से इसकी बायसिंग की गई है ट्रांजिस्टर की. सेकंड चीज इसको इनपुट वोल्टेज कितना सप्लाई किया जा रहा है उस इनपुट वोल्टेज में इसका एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा. अब आप ये कंसीडर कर चुके हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर हमने किसी भी कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना है तो उसकी आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है. ये हमारा आउटपुट करंट यानी कलेक्टर करंट होता है, ठीक है, और इस यहाँ पे आपका लाइ करता है VCE, collector emitter voltage, और इनकी in between draw की जाती है ये load line, ठीक है. अब इस load line में ये जो points हैं, इसमें ये हमारा saturation point है, ये हमारा cutoff point है, ठीक है. Output characteristics of the transistor की अब जब बात करें तो इस लोड लाइन के अंदर हम कंसीडर करते हैं एक क्यू पॉइंट. क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे देर इज नो सिग्नल. सिग्नल लाइज अबव एंड बिलो दैट क्यू पॉइंट, ठीक है. तो उस क्यू पॉइंट के लिहाज से अगर हम कंसीडर करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि Q पॉइंट ये लीनियर रीजन इसके सेंटर में लाए करता है, दिस इज Q पॉइंट. इफ वी कंसीडर दिस इज द Q पॉइंट, ठीक है. तो इस Q पॉइंट पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जी हम कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कह रहे हैं इसको अगर कंसीडर करते हैं इसका आउटपुट सिग्नल ड्रॉ करना है इस क्यू पॉइंट पे ऊपर, इनपुट उसको सप्लाई की जाएगी इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग. ये अगर आपकी
इनपुट सिग्नल है. इनपुट सिग्नल किस फॉर्म में होगा? दैट इज इन बेस करंट फॉर्म. ठीक है, आउटपुट सिग्नल किस फॉर्म में होगा? दैट इज इन कलेक्टर करंट फॉर्म. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट अवेलेबल होगी. ठीक है, दिस इज आउटपुट. तो किसी की बीट पावर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर एम्पलीफायर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका क्यू पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाएगा. अब ये क्यू पॉइंट आप ये देख रहे हैं, ये क्यू पॉइंट है. इस लाइन के ऊपर देयर इज नो सिग्नल. सिग्नल लाइज अबव दिस पॉइंट एंड बिलो दिस पॉइंट. ठीक है, और जितना एम्पलीट्यूड होगा उतने ही एम्पलीट्यूड पे आपको आउटपुट अवेलेबल हो. अब अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द क्यू पॉइंट, किस रीजन के ऊपर वो क्यू पॉइंट लाई कर रहा है, उसके लिहाज से हम कैटेगराइज कर लेते हैं पावर एम्पलीफायर्स को इनटू क्लास ए. सबसे पहले क्लास ए एम्पलीफायर. क्लास ए एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें हम इस तरह से बायस करते हैं कि क्यू पॉइंट लाइज इट लाइज नियर द सेंटर ऑफ द ट्रांसफर कर्व. ये जो उसका लीनियर पोर्शन है इसके सेंटर के ऊपर आपके ये ट्रांसफर कर्व लाई करते हैं यहां से. ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा ट्रांसफर कर्व बिटवीन. और इससे हम कलेक्टर करंट, आप ये देखेंगे कि ये जो क्लास ए एम्पलीफायर है इसमें पूरी जो इनपुट सिग्नल है फॉर द होल साइड साइकिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल, उसके लिए कंडक्शन करता है ट्रांजिस्टर. यानी इसमें कंडक्शन एंगल जो है दैट इज 360 डिग्री. तो हम ये कंसीडर करते हैं इसके अंदर कंडक्शन एंगल इज 360 डिग्री. मीन्स के फॉर द होल कंप्लीट साइकिल ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा. और इस ट्रांजिस्टर की जब वर्क करेगी इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? अगर ये होल साइकिल के लिए वर्क कर रहा है तो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हम कंसिडर करें तो ये होंगी कि इसके अंदर डिस्टॉर्शन विल बी लेस. लेकिन इनपुट इसकी इनपुट जो है वो अब कंस्ट्रेंड है कि हमने इन बिटवीन द सेंटर पॉइंट लाइक करना है तो स्मॉल आप सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो उसी की रिस्पेक्ट से आपकी आउटपुट भी स्मॉल होगी. तो इस लिहाज से क्लास ए एम्पलीफायर जो है उसकी लो इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है तो लो आउटपुट मिलती है. लो इनपुट सिग्नल की वजह से इसकी लो आउटपुट मिलती है तो हम कहेंगे इसकी एफिशिएंसी जो है वो भी लेस होगी एंड इट इज लिमिटेड टू 50%. और प्रैक्टिकली ये लाए करता है अप्रॉक्सीमेटली 45%. यानी 45% ऑफ पावर एफिशिएंसी यू कैन अटेन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर. लेकिन डिस्टॉर्शन इसके अंदर नहीं होगी क्योंकि इसका ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, ये विद इन द रीजन लाई करता है तो फॉर द होल साइकिल इसमें कोई क्लिपिंग नहीं होती है. आपका पूरा जो साइकिल है इनपुट का साइकिल उसके ऊपर कंडक्शन होती है और होल साइकिल के लिए जैसा इनपुट है वैसे ही आउटपुट आपको अवेलेबल होती है. लेकिन इसमें हम इनपुट भी स्मॉल एम्पलीट्यूड का देते हैं इसीलिए आउटपुट भी स्मॉल आता है और फॉर दैट रीजन द पावर एफिशिएंसी आल्सो रिड्यूस टू 50%. नेक्स्ट वन इज क्लास बी एम्पलीफायर. सेकेंड इज क्लास बी पावर एम्पलीफायर. क्लास बी पावर एम्पलीफायर इसके अंदर ट्रांजिस्टर बायसिंग इस तरह से की जाती है कि आउटपुट
आउटपुट फ्लोज ओनली फॉर हाफ साइकिल ऑफ इनपुट. इट मीन्स कंडक्शन एंगल फॉर द ट्रांजिस्टर इज 180 डिग्री, यानी हाफ साइकिल की आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा. और इसके अंदर अब देखें, अगर ये हाफ साइकिल के अंदर वर्क कर रहा है तो इसमें डिस्टॉर्शन भी क्या होगी, वो हाई होगी. लेकिन इसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन हाई क्यों है, क्योंकि आपका ये अगर फॉरवर्ड बाइस जो आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वर्क कर रहा है तो फॉर द रिवर्स हाफ साइकिल इसमें कोई आउटपुट नहीं आ रही, इसमें आईसी का करंट कोई नहीं आ रहा, तो इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी. लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी पावर एफिशिएंसी पावर एफिशिएंसी 78.5% ज्यादा होती है. अब ये 78.5% ज्यादा किस तरह से होती है कि देखें, जब आप लॉजिकली सोचें कि ये जब हाफ साइकिल के लिए वर्क नहीं कर रहा तो एफिशिएंसी कैसे ज्यादा हो रही, उस एफिशिएंसी इस तरह से ज्यादा हो रही है कि फॉर द क्लास ए एम्पलीफायर हमें इनपुट सिग्नल जो था उसका एम्पलीट्यूड लिमिट करना पड़ता था. उस एम्पलीट्यूड को हमने विद इन द एक्टिव रीजन रखना था क्यू पॉइंट के, तो उससे हम एम्पलीट्यूड को इंक्रीज नहीं कर सकते थे, अदरवाइज वो कट ऑफ की तरफ चला जाता या सैचुरेशन पॉइंट की तरफ चला जाता, तो हम उसको लिमिट करके रखते थे. लेकिन फॉर द क्लास बी एम्पलीफायर आप एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. और वो इंक्रीज आप किस तरह से करेंगे, हम कंसीडर करेंगे इसमें क्यू पॉइंट जो है इट लाइज एट द पॉइंट. हम इसमें ये कंसीडर करते हैं कि अगर इसको ग्राफिकली ड्रॉ करके देखें तो ये हमारी अगर लोड लाइन है, ठीक है, आई पी ए करंट है और यहाँ बी सी ई हम से कंसीडर कर रहे हैं. ये आपकी लोड लाइन है और इसमें कंसीडर करते हैं कि इनपुट सिग्नल लाए करता है क्यू पॉइंट जो है वो हमने कंसीडर किया, इट लाइज एट द कट ऑफ पॉइंट, ठीक है. अगर तो कट ऑफ पॉइंट पे लाए करता है तो वी हैव अ मार्जिन के हम इसमें ठीक है. अगर ये आपका आई बी करंट है जो कि हमने कट ऑफ पॉइंट लाइक कंसीडर किया कि वो कट ऑफ पॉइंट के ऊपर क्यू पॉइंट लाइक करता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपकी पॉइंट्स वन में, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होगा वो कंडक्शन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, वो बिलो. इसका मतलब है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ये क्लास बी एम्पलीफायर इट विल वर्क. इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ड्रॉ कर लें तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पे आपको आउटपुट जो मिलेगी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है. अब इसमें जब ये आउटपुट आपको ये आउटपुट है और ये इनपुट है तो इस क्लास बी एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट लाइज एट कट ऑफ. तो
तो आप जितना ज्यादा इनपुट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको आउटपुट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज मिलेगा। अभी हम एम्पलीफायर्स में अदर फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर रहे, उसमें अदर फैक्टर्स कौन से हैं, अदर फैक्टर्स इसमें पावर लॉसेस हैं और जो हमारे हीट की वजह से पावर लॉसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं या ट्रांजिस्टर की वजह से पावर लॉस और वो जो डिस्टॉर्शन का फैक्टर है उनको हम ही कंसिडर। लेकिन अगर हम एक दूसरे को कंपेयर करें बिटवीन द क्लास ए एंड बी एम्पलीफायर तो इसकी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने की वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है 78.5% तक इंक्रीज कर, तो क्लास ए एम्पलीफायर जो कि 50% पे डील कर रहा था तो क्लास बी एम्पलीफायर 78.5% के ऊपर डील कर रहा। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लास सी एम्पलीफायर। थर्ड वन इज क्लास सी पावर एम्पलीफायर। क्लास सी पावर एम्पलीफायर में आपने क्यू पॉइंट के ऊपर आपने सिलेक्शन ऑफ द क्यू पॉइंट वो भी हमारा किसके ऊपर लाई करता है, ये भी हमारा लाई करता है एट द नियर द कट ऑफ पॉइंट। लेकिन इसमें करंट का जो फ्लो है या हम कहेंगे कंडक्शन एंगल है वो लेस देन 180 होगा, वो हमारा 120 से या 150 डिग्री तक कंडक्शन एंगल है, यानी ट्रांजिस्टर वर्क करेगा फॉर 120 डिग्री और 150 डिग्री ऑफ द इनपुट, यानी आपकी जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट के सिग्नल का लेस देन हाफ साइकिल पर वर्किंग होगी। वर्किंग क्या होगी कि ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट, ठीक है। तो इसमें हम इन अदर वर्ड्स ये कहते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा फॉरवर्ड बायस रहता है फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। अब लेस देन हाफ साइकिल फॉर इनपुट अगर ये रहता है तो हम अगर इसको ड्रॉ कर लें तो इसका क्यू पॉइंट जो है इट लाइज बिलो द कट ऑफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा क्लियरली पता चलेगा। ये अगर हम कंसीडर करते हैं ये हमारा लेफ्ट लाइन वाला ग्राफ है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, ये VCE, ये कट ऑफ पॉइंट होता है, ये अगर आप किसी का भी ड्रॉ करें तो ये आपकी ये लोड लाइन बनती है, तो उसमें ये कट ऑफ पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट जो लाई करता है वो बिलो दैट कट ऑफ पॉइंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अब अगर ये क्यू पॉइंट यहाँ पे लाई करता है तो उसके लिहाज से ये हमारा कंसीडर कर रहे हैं कोई भी इनपुट सिग्नल, तो उस इनपुट सिग्नल के कॉरेस्पॉन्डिंग अब ये जो पॉइंट होगा आप ये देखेंगे ये इतना पोर्शन वो कट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द ठीक है। एक्चुअल में फुल साइकिल कितना आना चाहिए था इतना, लेकिन ये पॉइंट क्योंकि लाई कर रहा है बिलो द कट ऑफ पॉइंट तो इतना पोर्शन जो है वो आपका क्लिप हो जाएगा एंड यू विल गेट ओनली कंडक्शन फॉर लेस देन हाफ साइकिल। तो यहाँ पे अगर वो है तो ये लेस देन हाफ साइकिल के लिए आपको कंडक्शन मिलेगी, तो हम ये कहेंगे कि 120 डिग्री से या 150 डिग्री डिपेंडिंग ऑन कि आपने बाइसिंग किस तरह से की है कि ये क्यू पॉइंट आपका
कि कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर ये हम क्यू पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये लाई कर रहा है यहाँ पे, तो इतना पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है वो आउटपुट के अंदर नहीं आएगा, उसके अंदर फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। और क्लास सी एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी अब जाहिर है इसमें आप इनपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसकी थ्रेटिकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम कंसीडर करते हैं, दैट इज द पावर एफिशिएंसी, आउटपुट पावर एफिशिएंसी, थ्रेटिकली ये 100% हम कंसीडर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज अबाउट 80%। सो अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, अगर हम समराइज करें क्लास ए बी और सी एम्पलीफायर को, इसमें एफिशिएंसी के लिहाज से ये 50%, ये 78.5% और ये 100%, दैट इज थ्रेटिकल एफिशिएंसी, और प्रैक्टिकल एफिशिएंसी 45% है, इसकी थ्रेटिकल एफिशिएंसी 65% है, और इसकी थ्रेटिकल एफिशिएंसी 80% है। दिस इज नोन एज द पावर एफिशिएंसी। नेक्स्ट थिंग द क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट कहां पे लाई करता है, इसमें एक्टिव रीजन पे, ठीक है, यहां पे एक्टिव रीजन पे लाई करता है, ये लाई करता है क्यू पॉइंट एट कट ऑफ पॉइंट, और ये बिलो कट ऑफ। नेक्स्ट कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल इसका 360 डिग्री, इसका 180 डिग्री, और इसका 120, या हम कहेंगे 150 डिग्री। इट वर्क्स फॉर फुल इनपुट सिग्नल, इट वर्क्स फॉर हाफ इनपुट सिग्नल, एंड इट वर्क्स लेस देन हाफ इनपुट। तो अगर हम ये पावर एम्पलीफायर को डिफरेंशिएट कर लें डिफरेंट पॉइंट्स में, तो दीज आर द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू विच वी कैन डिफरेंशिएट क्लास ए बी एंड सी एम्पलीफायर। देयर इज अनदर एम्पलीफायर, दैट इज क्लास ए बी एम्पलीफायर, विच लाइज इन बिटवीन दीज बोथ ए एंड बी।